गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डनिंग लेसन्स। तो फ्रेंड्स, आज आप देख सकते हो कि किस तरह जो ड्राफ्ट एक्जोरा की वैरायटी है वो मेरे गार्डन में काफ़ी खिल रही है। तो ये प्लांट काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे गार्डन में और इसमें काफ़ी सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स आए हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि इस प्लांट में कितने सारे फ्लावर बर्ड्स बन रही है फ्रेंड्स। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर प्लांट्स। मैं आप लोगों को मेरा सारा एक्सपीरियंस बताऊंगी कि किस तरह से मेरे गार्डन में वाटर प्लांट्स लगे हुए हैं और किस तरह से मैं उनकी देखभाल करती हूँ, उनकी जो मेंटेनेंस है वो कैसी रहती है। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला आप वाटर प्लांट देख रहे हो ये है लोटस का। ये जो लोटस है फ्रेंड्स, ये वाइल्ड या सीक्रेट लोटस है। उसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो है वो वाटर हाइसिंथ का प्लांट है। आप देख सकते हो कि इसकी लीव्स काफ़ी बड़ी बड़ी है और इसमें काफ़ी फ्लावरिंग होती है, लेकिन इस टाइम पर इसमें अभी फ्लावरिंग हो नहीं रही है फ्रेंड्स। इसमें अप्रैल के टाइम पर काफ़ी फ्लावरिंग हुई थी, काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर्स आए थे इसमें, उनका जो स्टॉक था वो काफ़ी बड़ा था फ्रेंड्स। उसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये सारे के सारे मेरे वाटर लिलीज़ हैं। तो मैंने आपको इसका अपडेट कई बार दिया हुआ है और अब इसमें जो लीव्स है वो काफ़ी बढ़िया हो रही है, आप देख सकते हो। और इसे मैंने काफ़ी बड़े कंटेनर में, बड़े टब में शिफ्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, वाटर लिली के अंदर मैं ज़्यादातर कोई भी फ़िश या नहीं रखती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर राजस्थान में काफ़ी हाई टेम्परेचर रहता है। तो विंटर्स में भी जो मॉली गपीज़ होती है वो मर जाती है, और जो समर होती है बहुत ज़्यादा उसमें भी मॉली गपीज़ मर जाती है और उन्होंने रिप्रोड्यूस भी नहीं किया, इसलिए मैं इसमें फ़िश नहीं रखती हूँ। और इसका जो पानी है वो हफ्ते दर हफ्ते चेंज करती रहती हूँ, जिस वजह से जो मॉस्कीटोज़ का प्रॉब्लम है वो नहीं होता फ्रेंड्स। उसके अलावा मैंने इसमें चिकनी मिट्टी का यूज़ किया है जो कि नर्सरीज पर मिल जाती है, और आप चाहो तो इसमें गार्डन सॉइल का भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी आपकी जो प्लांट्स हैं उनकी लीव्स काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। और अभी आप देख सकते हो कि रेनी सीजन चल रहा है तो अभी काफ़ी सारी लीव्स आ रही है फ्रेंड्स। उसके अलावा ये जो है वो वाटर कैबेज है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े फ्लावर्स हो गए हैं वाटर कैबेज के। तो मैंने इसमें कोई आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र तो नहीं डाला है। इसमें जो मिट्टी थी उसमें मैंने एक दो बार वर्मी कंपोस्ट और काउडंग कंपोस्ट ऐड किया हुआ था, और अभी ये काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, रेनी सीजन है, इसे मैंने कम्प्लीटली शेड में रखा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वाटर लिली के जो लीव्स है वो काफ़ी बड़े हो गए, और ये मेरा दूसरा जो प्लांट है जिसमें अभी थोड़ी छोटी वाटर लिलीज़ है, तो इनको बड़ा होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये भी काफ़ी हेल्दी है और काफ़ी सारी ग्रो कर रही है फ्रेंड्स। तो आप लोग चाहो तो मॉली और गप्पी फिश रखो, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मॉली और गप्पी फिशेज़ के साथ वो ज़्यादा अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि उन्होंने कोई ज़्यादा रिप्रोड्यूस भी नहीं किया और ज़्यादा हाई टेम्परेचर राजस्थान के हमारे हाई टेम्परेचर की वजह से वो मर भी जाती थी। तो मैंने उन्हें रखना बंद कर दिया है और अब मैं खुद ही पानी चेंज करती हूँ, और इस वजह से इसमें मस्कीटोज़ और नहीं होते हैं, और जो पानी है वो भी साफ़ बना हुआ रहता है। उसके अलावा फ्रेंड्स, जो वाटर कैबेज है उनकी देखभाल का तो यही है कि आप इन्हें जितना हो सके शेड में रखिए और विंटर्स में इन्हें बचा कर रखिए, तो इनकी जो लीव्स है वो काफ़ी अच्छी और हेल्दी बनी रहेगी। धूप में ज़्यादा रखने से इनकी जो लीव्स है वो बर्न हो जाती है, और इनकी जो साइज़ है वो भी अच्छी नहीं रहती फ्रेंड्स, और कलर है वो भी थोड़ा सा येलो होना शुरू हो जाता है। तो आप चाहते हो कि आपके जो प्लांट्स हैं वो हेल्दी रहे, स्पेशली जो वाटर कैबेज वाले हैं, तो आप उनको बिल्कुल शेड में रखिए, उन पर धूप ना आने दें, और फ्रेंड्स उन्हें ज़्यादा ठंड में भी ना रखें वरना वो ख़राब जाएंगे। और उसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है वो भी आप देख रहे हो काफ़ी हेल्दी है, ये भी एक वाटर का प्लांट है और इसमें कई बार व्हाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स भी आते हैं। तो फ्रेंड्स, यही है मेरा वाटर एक्सपीरियंस जो भी वाटर प्लांट्स हैं उनके साथ, और आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी हेल्दी है और काफ़ी अच्छे से चल भी रहे हैं, और स्पेशली जो वाटर कैबेज है ये तो काफ़ी रिप्रोड्यूस भी कर रही है फ्रेंड्स, और ये अभी काफ़ी प्रोपोगेशन के साथ ज़्यादा हो गई है। और फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो ये सारे के सारे वाटर लिलीज़ है, ये बहुत छोटे छोटे वाटर लिलीज़ है अभी सीड से, जो मैंने 3 महीने पहले इनको प्रोपोगेट किया था, और अब ये जो है वो अभी भी छोटे हैं। तो मुझे लगता है कि इन्हें कम से कम 1 या 2 साल तो लगेंगे मैच्योर प्लांट होने में, क्योंकि अभी काफ़ी छोटे हैं। सिर्फ एक जो प्लांट है वो थोड़ा बड़ा हुआ हुआ है, बाकी जो है वो छोटे छोटे हैं। तो 3 महीने का ये मेरा अपडेट है फ्रेंड्स कि सीड से वाटर लिली को कैसे लगाए उसका, और अभी एक प्लांट्स काफ़ी छोटे हैं, तो आप लोग हो सके तो सीड से इन्हें प्रोपोगेट मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। अगर आप डायरेक्टली ट्यूबर से लगाओगे तो हो सकता है कि आपकी जो फ्लावरिंग है वो जल्दी हो जाए। और फ्रेंड्स, वाटर लिली और लोटस में यही डिफरेंस होता है कि वाटर लिली के सीड्स काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल राई के दाने की तरह, जबकि जो लोटस के सीड्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो ये सारी की सारी लोटस के सीड्स हैं, और आप देख सकते हो कि जो लोटस की सीडलिंग है वो कितनी डिफरेंट है वाटर लिली के सीडलिंग से, और लोटस की सीडलिंग जो होती है वो काफ़ी बड़ी रहती है। और फ्रेंड्स, ये जो सीड्स हैं ये कमलगट्टा वाले सीड्स हैं, इसमें से जो ऊपर की तरफ तैर रहे हैं फ्रेंड्स वो बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है, लेकिन जो नीचे की तरफ डूब गए हैं उनमें से सबसे आप देख सकते हो कि इस तरह से बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। तो आप जब भी सीड को मिट्टी में लगाएं तो इस तरह से लगाएं, ये जो सीड है वो नीचे रहे और इसका जो ऊपर वाला ग्रीन पोर्शन है वो इस तरह से ऊपर रहे फ्रेंड्स, और उसके बाद आप उसमें पानी डाल दीजिए।
तो फ्रेंड्स आपके जो लोटस है वो बहुत जल्दी और इजीली ग्रो कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने मार्केट से इन्हें परचेज नहीं किया है क्योंकि ऑनलाइन मुझे थोड़े से एक्सपेंसिव लगे सीड्स, इसलिए मैंने कमल गट्टे के जो सीड्स होते हैं जो 50 रुपये में 20 या 30 सीड्स मिल जाते हैं वही लगाए हैं। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हो कि ये मेरा सीक्रेट लोटस का प्लांट है और इसके जो लीव्स है वो काफ़ी बड़ी बड़ी लीव्स है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो प्लांट है वो मैंने कमल गट्टा से ग्रो किया है, जबकि जो ऑनलाइन सीड्स आते हैं वो मुझे थोड़े से कॉस्टली लगे, 400-500, और उनकी जब मैंने रिव्यूज़ देखे तो मुझे पता चला कि उनमें से काफ़ी सारे सीड्स जो होते हैं वो फर्टाइल नहीं होते और उनकी क्वान्टिटी भी काफ़ी कम लगी मुझे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मार्केट से जो कमल गट्टे के सीड्स होते हैं जो कि 55 रुपीज़ में काफ़ी सारे क्वान्टिटी में आ जाते हैं तो मैंने वो लगाए। लेकिन उनका जो मेजर ड्रॉबैक था वो यही था कि इस प्लांट को 2 साल हो गए हैं और अब इस प्लांट में कितनी बड़ी बड़ी लीव्स हो गई है लेकिन कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही दिया है, काउडंग कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट जो होती है सिर्फ वही दिया है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर दूँ 1 साल ताकि देख सकूँ कि फ्लावरिंग कितनी जल्दी होती है। तो अब मैं इसे केमिकल फर्टिलाइजर्स की तरफ शिफ्ट कर दूंगी, इसे NPK DAP इस तरह के फर्टिलाइजर्स देना चाहिए ताकि इसकी जो लीव्स है वो बड़ी हो और जो प्लांट है उसको जल्दी जल्दी मिले और वो ग्रो कर जाए। और फ्रेंड्स अगर आप इसके साफ पानी की बात करो तो इसका जो पानी है वो काफ़ी साफ रहता है, इसमें कई बार मस्कीटोज का प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन उसके लिए आप लोग चाहो तो फिश रख सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मेरा फिश के साथ ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है क्योंकि हमारे राजस्थान में बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ती है और इस प्लांट को फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, इस वजह से मुझे इसे पानी में जो है उसको फुल सनलाइट के नीचे रखना पड़ता है और इस वजह से जो फिश है वो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से मर जाती है। तो अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर एक जैसा रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, तो आप फिशेस रख सकते हो। उसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप फिश नहीं रखना चाहते हो तो आपको 1 हफ्ते में पानी को चेंज करना पड़ेगा वरना बहुत सारे मस्कीटो के लार्वा हो सकते हैं। तो यही मेरा एक्सपीरियंस है। उसके अलावा फ्रेंड्स अभी से 2 साल हो गए हैं लेकिन जो इसकी एरियल लीव्स है फ्रेंड्स वो कई बार हम जब सीड से ग्रो करते हैं तो 7 से 8 महीने के बीच में आ जाती है। इसकी एरियल लीव्स तो काफ़ी जल्दी आ जाती है, कई बार आपको 1 साल के अंदर अंदर इसकी एरियल लीव्स मिल जाएगी, लेकिन फ्लावर मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। उसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप जल्दी फ्लावरिंग चाहते हो तो आप ऑनलाइन जो सीड्स होते हैं वो खरीद सकते हो। उसके अलावा फ्रेंड्स फेसबुक पर कई सारे ग्रुप्स होते हैं जो कि इस तरह के प्लांट्स बेचते हैं, लेकिन मैंने उनसे खरीदा नहीं, मैंने सोचा कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, कई बार 2 से 3 हज़ार रुपये के भी एक प्लांट पड़ता है, तो मैंने थोड़ी सी कंजूसी दिखाई और मैंने इस तरह का ये प्लांट बना लिया जो कि सीक्रेट लोटस का है और जो कमल गट्टा के सीड से आते हैं। बट यही है कि इसमें फ्लावरिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है, इसमें फ्लावरिंग जो होती है वो काफ़ी आसानी से नहीं होती। और अगर आप आसान फ्लावरिंग चाहते हो तो आप वाटर लिलीज लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स वाटर लिली के जो प्लांट्स होते हैं उसमें बहुत जल्दी फ्लावरिंग होती है बजाय कि लोटस के प्लांट से, और वाटर लिली के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें मेंटेनेंस की भी कम ज़रूरत पड़ती है और साथ में स्पेस की भी कम ज़रूरत पड़ती है। आप देख सकते हो कि मैंने जो वाटर लिली के प्लांट्स है उसके कंपैरिजन में जो लोटस का कंटेनर है वो काफ़ी बड़ा रखा है क्योंकि इसे काफ़ी ज़्यादा बड़े कंटेनर की ज़रूरत होती है, और इसका जो कंटेनर है वो काफ़ी इससे बड़ा मैं नहीं लगा रही हूँ। और ये जो इसकी सीडलिंग्स है ये भी वाटर लिली के सीडलिंग से काफ़ी डिफरेंट है फ्रेंड्स। ये जो सीडलिंग है उसे आप लोग मिट्टी में लगाइए, काफ़ी वाइट कंटेनर में लगाइए, और फ्लावरिंग में थोड़ी सी लेट होती है लेकिन फिर भी अगर ये प्लांट्स जो होते हैं वो लीव्स के साथ भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से अभी ये सीडलिंग्स जो है वो बड़ी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये जो सीड्स हैं उन्हें 1 से 2 हफ्ते लगते हैं स्प्राउटिंग होने में, और जो स्प्राउटिंग सीज़न है फ्रेंड्स वो समर का रहता है। आप मई जून जुलाई में बहुत इजीली ग्रो कर सकते हो कोई भी वाटर प्लांट को, स्पेशली जो वाटर लिलीज और लोटस के जो सीड्स हैं उन्हें समर्स में ग्रो किया जाता है। मई जून जुलाई का जो टाइम होता है फ्रेंड्स उसमें आपको इनकी हाईएस्ट स्प्राउटिंग मिलेगी। तो इस तरह के जो कमल गट्टे के सीड्स होते हैं वो हमारे यहाँ 55 रुपीज़ में मिल जाते हैं, करीब 20 से 30 सीड्स। तो फ्रेंड्स ये जो सीड्स होते हैं पहले आपको उन्हें ब्रेक करना होता है, हल्का सा जो ब्लैक कोटिंग है उसे निकालनी होती है ताकि जो स्प्राउटिंग है वो बहुत ईजिली हो जाए। उसके अलावा फ्रेंड्स आप चाहो तो इसका जो पानी है वो भी हर 1-2 दिन बदलते रहना वरना इसके ऊपर काफ़ी सारी जो फंगस है वो आ जाती है, तो आप लोग भी इसका पानी जो है वो चेंज करते रहिएगा फ्रेंड्स। और इस तरह के जो सीड्स होते हैं वो आप चाहो तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हो या नियर बाई जो ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं वहाँ पर भी खरीद सकते हो, काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई अच्छी सीड खरीदते हो तो उससे आपको फ्लावरिंग जो है वो बहुत इजीली मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मेरे हाथ के साइज़ से जो इनका लीव्स का साइज़ है वो कितना बड़ा है और काफ़ी बड़ी बड़ी लीव्स तो आ रही है एरियल लीव्स फ्रेंड्स, लेकिन अभी भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो होप इसमें फ्लावरिंग होगी और मैं इसे अब केमिकल फर्टिलाइजर्स पे शिफ्ट कर दूंगी। पहले मैं इसे वर्मी कंपोस्ट और काउडंग कंपोस्ट ही देती थी लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि इसे DAP और NPK दूँ, तो देखती हूँ कि उसके बाद इसका क्या रिज़ल्ट रहता है।
और उसके अलावा फ्रेंड्स आप लोग चाहो तो इसमें स्नेल्स भी रख सकते हो, या फिर जो डॉग फिशेज या फिर जो एल्गी ईटर फिशेज आती है जिसे हम लोग प्लैको फिश कहते हैं, आप वो भी रख सकते हो। वो काफ़ी हार्डी फिशेज होती है और जो भी अगर एल्गी का प्रॉब्लम है तो वो इसमें सॉल्व हो जाता है, तो आप वो रख सकते हो। हमारे यहाँ हाई टेम्परेचर में भी वो काफ़ी ठीक से चल जाती है, करीब 8 से 9 महीने तक आराम से इजीली चल जाती है और उन्हें फीडिंग की भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप वो फिशेस रख सकते हो। हालांकि वो फिशेस मेरे पास नहीं है पर पहले मैं वो रखती थी और काफ़ी अच्छे चल जाती थी वो। तो आप लोग प्लैको फिशेस रख सकते हो जिन्हें हम लोग एल्गी ईटर फिशेस बोलते हैं। तो उसके अलावा थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं जितना जल्दी हो सके आंसर करूँगी। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।